नमस्कार, मैं उमो चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ 3 राज्य लगे हैं। इन राज्यों में कांग्रेस ने जीत तो दर्ज कर ली है, मगर वहां के मुख्यमंत्री चुनने में राहुल गांधी के दांत खट्टे हो गए हैं। जहां मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ के हाथ सौंपी गई है, तो वहीं राजस्थान में लंबे विवाद के बाद अशोक गहलोत को एक बार फिर मुख्यमंत्री की सीट मिली है। इन दोनों राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ में अभी तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं चुना जा सका है, मगर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से समर्थकों में काफी उदासी है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि एक समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश भी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की HCN न्यूज पुष्टि नहीं करता है। अब राजस्थान की कमान अशोक गहलोत को देखकर राहुल गांधी ने सही किया या गलत, वो तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों में ही साफ हो सकेगा। सोशल मीडिया पर सचिन पायलट के समर्थकों में बेहद नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली थी, जहां सचिन पायलट के कुछ समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर नारेबाजी की थी और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, एक समर्थक ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने खून से एक पत्र राहुल गांधी के लिए लिखा था, जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए राहुल गांधी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।